हां जी बाबू, कैसे हैं आप लोग? एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए whether we are live or not and whether the audio and the video is fine or not. Okay, I can see काफी बच्चे जुड़ गए हैं. पार्थ, प्राची, बॉबी, दामिनी, राधिका, दीपक, पारुल, उज्जवल, सिमरन. हां जी बाबू, एक बार जल्दी से बताइए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है? हाय किशन, ऋतिक, चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एक तो पता नहीं क्यों जो हमारा वाईफाई है 100 Mbps का है एंड कभी कभी इतना मस्त बिहेव करता है ना, मतलब लिटरली इसको लगता है कि इसको कोई पुरानी दुश्मनी है. अभी क्या हुआ, YouTube चल रहा है, ऐप चल रहा है, बट जैसे मैंने लाइव जाने की कोशिश किया वो दिखा रहा नो इंटरनेट. मतलब एक ही सिस्टम में आपका YouTube चल रहा है और ऐप चल रहा है, बट जब आप लाइव जाने की कोशिश कर रहे हो तो दिखा रहा ना 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 अभी मन नहीं है, अभी हम नहीं जाएंगे. तो फिर हमने वाईफाई ऑफ किया क्योंकि एज अ EIS में मैंने आपको बताया है ना, इनफैक्ट बड़े बड़े इंजीनियर यही करते हैं, जब भी इंटरनेट का दिक्कत होता है चुपचाप क्या करना है, ऑफ एंड एक मिनट बाद ऑन. 90% केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लकीली अभी भी सॉल्व हो गई. बाबू दो वाईफाई है मेरे पास, बट आप समझिए इस बात को कि एक वाईफाई ना घर मतलब थोड़ा सा मतलब बड़ा है, तो जो दूसरा वाईफाई है उसका सिग्नल जहां से मैं लेक्चर ले रहा हूं थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो वो दूसरे रूम के लिए, अपने रूम के लिए बगल में है. ऋतिक कह रहे हैं आई एम डूइंग माई आर्टिकलशिप एट KPMG. ग्रेट या मेरे भैया ने भी अपने करियर की शुरुआत KPMG से ही करी थी, तो KPMG वॉज द फर्स्ट बिग फोर जिसका मुझे भी आइडिया है क्योंकि भैया उसी में थे. चलिए ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से क्या आप लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्वेश्चन बनाया है? मैं आंसर देखना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स के क्वेश्चन बना दिए? चलो किशन, पारुल, दीपक, पार्थ, वेरी गुड. और बाकी जो बच्चे नहीं बनाए हैं, बाबू किसका वेट कर रहे हो? कोई और तो आएगा नहीं बनाने, आपको ही करना पड़ेगा, तो प्लीज कीजिए. दूसरा, आप ये समझिए कि अभी एक साथ हमारा अभी SM का फास्टर का बैच चल रहा है, जो टैक्स का रेगुलर बैच आएगा उसकी भी तैयारी चल रही है, उसके बीच में मैं समय निकालकर ये लेक्चर ले रहा हूं. तो मैं बस एक चीज चाहता हूं आपसे, एक तो बाबू आप कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि जब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक इन लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, किसी रिविजन का कोई फायदा नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है. तो आप कंसिस्टेंट रहिए. और दूसरा, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि भैया आपको ये कैसा लग रहा है. ठीक है, इसी नाम पे लेट्स स्टार्ट. सर बच्चे तैयार हैं हाउस प्रॉपर्टी करने के लिए? 1 आवर मैक्सिमम लगेगा, कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेंगे एंड फिर उसके बाद से बढ़िया मजा आएगा. कंप्लीट एंटायर 22-27 हम लोग रिवाइज करने वाले हैं लॉजिकली. लेट्स स्टार्ट. हमने क्या पढ़ाया था, सेक्शन 22 बोलता है कि अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो तो देखिए तीन कंडीशन है. एक तो ओनर होना चाहिए, ओनर इंक्लूड्स डीम ओनर. एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, किसी भी वैरायटी का हाउस प्रॉपर्टी जिसको आप लेट आउट करेंगे, इससे आपको जो इनकम आएगा उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यह बात दिखा हुआ सेक्शन नंबर 22 जो कि इसका चाइनीज सेक्शन है. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो यह आपका पहला कंडीशन है लेटिंग आउट. दूसरा हाउस प्रॉपर्टी. तीसरा ओनर. ओनर कौन होता है? इंक्लूड्स डीम ओनर अंडर सेक्शन 27. इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. प्लीज अंडरस्टैंड हाउस प्रॉपर्टी कैसा भी हो सकता है, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इट डजंट मैटर. द ओनली थिंग इज ये हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. और हाउस का मतलब केवल बिल्डिंग नहीं होता है,
अगर उस बिल्डिंग में जैसे कोई फार्म हाउस है, बिल्डिंग के बाहर जमीन है, तो अगर वो लैंड अटैच्ड है हाउस प्रॉपर्टी के, उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी में ही मान लेंगे। बट अगर खाली जमीन है तो उसे हम हाउस प्रॉपर्टी का नहीं मानते हैं, वो या तो अदर सोर्स में जाएगा या पीजीबी में जाएगा। कई बार बच्चा पूछता है सर अदर सोर्स कब और पीजीबी भी कब, अगर आपके एग्जाम में दे दिया है कि इसका बिजनेस है लेटिंग आउट तो पीजीपी वरना अदर सोर्स। अगर वही हाउस प्रॉपर्टी आप खुद के यूज के लिए कर रहे हो बिजनेस में, अब मैंने को बताया था कि पांच हेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट हेड है वो कौन सा है, पीजीपी। इसको मैं बोलता हूं बुली, बुलियों का बुली बाहुबली। ये क्या करता है, ये बोलता है कि देखो सबका अपना अपना हेड है, बट अगर मेरा थोड़ा भी जिक्र आया तो वो फिर पीजीपी चला जाएगा। तो अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को ओनर यूज करता है अपने खुद के बिजनेस के लिए, जैसे मेरे पापा अपने ही प्रॉपर्टी पे अपना दुकान चलाते हैं, तो उसका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, सेक्शन 28-44 चला जाएगा पीजीपी। या फिर अगर एग्जाम ये लिख दे कि असेसी का बिजनेस है लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो भी वो कहां जाएगा, पीजीपी के अंदर। तो ये सब का एक क्रक्स मैंने बना दिया है। देखिए ओनर है, इट इंक्लूड्स डीम ओनर। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को रेसिडेंस ले कर रहे हो खुद के रहने के लिए तो हाउस प्रॉपर्टी जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आप खुद के घर को खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हैं पीजीपी, तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन नहीं लगेगा, सेक्शन 28-44 लगेगा। अगर आप इसी ओनर अपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करेगा और टिनेंट उसका बिजनेस यूज करे या उसका रेसिडेंस यूज करे, कोई भी यूज करे, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स हो जाएगा। तो अगर आप किराए पे देते हो, टिनेंट उसका क्या यूज करता है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वेकेंट लैंड है तब तो अदर सोर्स पीजीपी, और अगर आप सीधे उसको बेच देते हैं तो वो कैपिटल गेन पीजीपी होता है। अगर आपने इस हाउस प्रॉपर्टी को हेल्ड एज कैपिटल असेट किया है तो कैपिटल गेन, और अगर आप इसे हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड किया है देन पीजीपी। देखिए यूसेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय द टेनेंट डज नॉट मैटर व्हाइल डिसाइडिंग द हेड ऑफ इनकम अंडर व्हिच इट इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। तो टेनेंट क्या करता है उससे मतलब नहीं है। सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दिया, अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है एज कैपिटल सेट तो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा, और अगर आपने होल्ड किया है एज अ इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड, आप रियल एस्टेट बिल्डर हो डीएलएफ हो, तो आपका जाएगा पीजीपी। एक और पॉइंट है इसमें कॉम्पोजिट रेंट। सर कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है, कई बार पीजी पेइंग गेस्ट ऑडिटोरियम जहां पर आपको केवल लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है फैसिलिटीज भी होता है, तो अगर घर प्लस फैसिलिटी हो रहा है इसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। अब अगर आप इसे बाइफर्केट कर सकते हो, जो आपको रेंटल मिल रहा है इफ यू कैन बाइफर्केट द रेंट इंटू टू पार्ट्स देन वेरी गुड, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी में, फैसिलिटीज का अदर सोर्स ऑफ पीजीपी में। बट अगर आप बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं तो याद रखिए हाउस प्रॉपर्टी बेचारा ना गाय है एकदम मासूम सा, और पीजीपी ना बुली है। तो अगर आप बाइफर्केट कर पा रहे हो वेरी गुड, अगर बाइफर्केट नहीं कर पा रहे हो तो पूरा पीजीपी। तो हाउस प्रॉपर्टी प्लस फैसिलिटीज लिफ्ट पावर बैकअप एक्सेट्रा इज द बाइफर्केशन सेपरेशन बिटवीन रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी रेंट फॉर फैसिलिटीज पॉसिबल। आप बोला यस, तो प्रॉपर्टी वाला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, फैसिलिटीज वाला जाएगा अदर सोर्स ऑफ पीजीपी में। और अगर आप बाइफर्केट नहीं कर पाते हो तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हेड पीजीपी या अदर सोर्स। सिंपल। आगे देखिए अगला है, इन जनरल पूरे के पूरे इनकम टैक्स में जो आपका इनकम निकाला जाता है वो नॉर्मली एक्चुअल बेसिस पे होता है, बट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा उल्टा है। यहां पर ना हम एस्टिमेटेड बेसिस यूज कर लेते हैं। अब इसका मैंने पूरा लॉजिक दिया था, अभी उतना टाइम नहीं है। सिंपल, सबसे पहले हम पूछेंगे पड़ोसी से, मतलब फेयर रेंट, उसको हम कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट का मतलब होता है मिनिमम रेंट, मिनिमम, इससे कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पुराना रेंट है, पुराना। म्युनिसिपल जो अथॉरिटी है वो उतना अपडेटेड नहीं होते हैं। तो आपने फेयर पूछा पड़ोसी से, म्युनिसिपल पूछा, विच एवर इज हायर। अब आप हायर ले लिए, बट गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट लगाया हुआ है रेंट कंट्रोल एक्ट, उससे ऊपर नहीं हो सकता है, तो फिर लोअर। तो आपने पहले फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट लिया, विच वाज हायर ऑफ एनबी।
फिर आप उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, ये मैक्सिमम रेंट है, तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, तो हम लो लेंगे। ये जो लो है ये एक्सपेक्टेड रेंट है असेसिंग ऑफिसर का। अब असेसिंग ऑफिसर ने अपना एक्सपेक्टेड निकाला, फिर वो आपसे पूछेगा आपने कितना कमाया। अगर आप बोलोगे ज्यादा, वेरी गुड, वो ज्यादा लेगा। आपने बोला कम, बोलेगा ना एक्सपेक्टेड से कम हो नहीं सकता है, तो विच एवर इज हायर। तो अगर रट्टा मारना है तो HLH, बट रट्टा मारने के बजाय बेटर क्या होगा ये याद रखिए, म्यूनिसिपल रेंट मिनिमम होता है, तो फेयर और म्यूनिसिपल विच एवर इज हायर, और उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड मैक्सिमम है तो विच एवर इज लोअर, इसको हम बोल देंगे आपका एक्सपेक्टेड रेंट। तो पहला काम होता है एक्सपेक्टेड रेंट निकालना, फिर एक्सपेक्टेड एक्चुअल विच एवर इज हायर, दैट्स इट। सर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आइए सारे बच्चे एकदम तेजी में देखिए। पांच हाउस प्रॉपर्टी है, पहले देखते हैं म्यूनिसिपल एंड फेयर रेंट। तो ये आपका पड़ोसी हो गया और ये आपका मिनिमम हो गया, तो विच वर इज हायर, तो हमने कितना लिया 90। अब स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है तो ओके, तो इसी को मैं मान लूंगा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड 90, एक्चुअल 72, तो जीवी कितना हो जाएगा 90, विच इज हायर, इसको हम बोलते हैं रीजनेबल रेंट। क्या बोलते हैं हम, रीजनेबल रेंट। दूसरा म्यूनिसिपल है 55, फेयर है 60, तो हम हायर लेंगे यानी 60 आ गया। स्टैंडर्ड है 75, तो 75 तो मैक्सिमम पॉसिबल है, तो हमें लो लेना है, तो एक्सपेक्टेड है 60। ये एक्सपेक्टेड किसका है, प्लीज अंडरस्टैंड लॉजिक समझिए, लॉजिक ही असेसिंग ऑफिसर का है। असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछेगा बताओ किशन तुमने कितना कमाया, आपने हमने 72, आपने जैसा 72, असेसिंग ऑफिसर तो बोलेगा हाँ 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 एकदम सही बोल रहे हो 72 हाई लेगा। तीसरा 65, कुछ है ही नहीं तो आप 65 ले लोगे, बट ये स्टैंडर्ड के ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो एक्सपेक्ट होगा 58, आपने कितना बोला 60, तो 60 हायर। ये देखिए म्यूनिसिपल है 24, फेयर है 25, तो हायर 25, स्टैंडर्ड कुछ है नहीं तो एक्सपेक्टेड है 25,000, एक्चुअल है 30, विच इज हायर। एंड लास्ट म्यूनिसिपल और फेयर में हायर लेंगे 80। अभी जो 80 है इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, विच इज लोअर, तो आपका एक्सपेक्टेड होगा 78,000 और आपका एक्चुअल है 72,000। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, वो 78 निकाल लेगा, आपसे पूछेगा बताइए आपने कितना कमाया, आपने बोला 72, वो सीधा बोलेगा चोरी पकड़ी गई, कि एक्सपेक्टेड से कम नहीं हो सकता है, हायर होगा, 78 ले लेगा, दैट्स इट। क्या सारे बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं, क्या सारे बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सर ये तो देखो सबसे मेन बाबू जीवी निकालना ही होता है, इसके बाद जो तरीका है आपको प्लीज ये रखना है, जीवी निकाल दीजिए और तीन चीजें माइनस करना है, दैट्स इट। इसीलिए ये चैप्टर आसान है। एक तो म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स मतलब जो हाउस टैक्स जो आपका लोकल ऑथोरिटी चार्ज करता है, ये आपके बुक में नहीं लिखा होता है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। तो आपने जीवी निकाल लिया जैसे मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 23 में, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर दीजिए तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से दो चीजें माइनस करनी है, 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और 24B में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड ऑन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन रिपेयर ACRR, तब आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं आपको ये तीनों का एक एक करके समझा देता हूं। देखिए म्यूनिसिपल टैक्स क्या था, लेविड बाय द लोकल ऑथोरिटी, जैसे हाउस टैक्स फायर टैक्स, एग्जाम में अलग अलग नाम यूज हो सकता है, आपको बस इतना याद रखना है कि देखिए भैया स्ट्रिक्टली ऑन पेमेंट बेसिस, तो अगर ओनर पे कर दे पेड अलाउ कर दीजिए, किस साल का है कब का है इट डजेंट मैटर,
डिडक्टेड फ्रॉम द जीवी टू अराइव एट एनवी अलाउड टू ओनर ओनली इट इज पेड बाय द ओनर स्ट्रिक्टली ऑन द पेमेंट बेसिस। अगर आपने पेमेंट नहीं किया अलाउ नहीं होगा। अगर आपने पिछले 50 साल का इस साल पे कर दिया या अगले 50 साल का इस साल पे कर दिया, अगर पे कर दिया ना ओनर ने, अलाउ हो जाएगा। टीनेंट पे करता है तो अलाउ नहीं होता है। तो किशन है 50 रुपए किया है पिछले साल का, भाई हमारा ईयर 21-22 है, करंट ईयर में पे कर दिया ये 50 अलाउ हो जाएगा। करंट ईयर का 70 है आउट ऑफ विच 10 रुपए हुआ है। तो ये सिंपल, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जितना पे करेंगे उतना अलाउ हो जाएगा। दैट्स इट। पेमेंट ऑफ द अरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, पुराने सालों का करंट ईयर में या अपने अगले सालों का एडवांस में करंट ईयर में पे कर दिया, इट विल बी अलाउड। या क्या करना है, दैट्स इट। ओनर पे करे, दैट्स इट। दो चीज याद करना है, हो गया। अगला स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सिंपल क्या बोलता है कि जो आपके छटपट खर्चे हैं, कैसे खर्चे हैं, जो आपके छटपट छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए हम स्टैंडर्ड 30% डिडक्शन दे देंगे। इट डजंट मैटर कि आपने कितना खर्च किया है। जैसे मानिए आपका एनवी है 1,00,000, एक्चुअल है 5,000, 24A बोलता है कि भी हम आपको देंगे 30,000, क्या बात है। एनवी है 1,00,000, एक्चुअल है 40,000, फिर भी 24A बोलता है हम आपको देंगे 30,000। एनवी है निल, एक्चुअल है 10,000, आई एम सो सॉरी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एनवी में से अगर आप जीरो में 30% मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो डिडक्शन अलाउड इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द एनवी इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो बाबू ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर आपको एग्जाम में दे दिया रेंटल इनकम, सीधा 70% टैक्स होगा, 30% माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर वो ये बोल दिया रेंट कंप्यूटेड, ये बोल दिया इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, तो आप माइनस मत कीजिएगा, इसको मानेंगे आफ्टर डिडक्शन। बट अगर केवल रेंटल इनकम है तो आपको बाबू 30% माइनस करना है, भले क्वेश्चन आपका साइलेंट पे है। और अगर एनवी निल हो गया तब तो सिंपल निल रहेगा 24A, क्योंकि अगर आप एनवी में से जीरो में से 30% मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। अगला है 24B, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट पूरे हाउस प्रॉपर्टी का, यही है। घर आपका एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि घर खरीदने के लिए आप क्या लेते हो, लोन। लोन अलग अलग तरीकों के लिए हो सकता है, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इवन रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन सेम इंपैक्ट होता है, या रेनोवेशन के लिए। सरकार बोलता है कि देखिए अगर आपने 24B का बेसिकली आपने अगर लोन लिया है, पूरे का पूरा लोन पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो सब अलाउ हो जाएगा 24B के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो भी अक्रूअल बेसिस पे। क्या बात कर रहे हो, सुनिए। मानिए इंटरेस्ट ड्यू फॉर PY 21-22 10,000, इंटरेस्ट पेड 6,000, तो इंटरेस्ट नॉट पेड 4,000। अभी आपने जो इंटरेस्ट पे नहीं किया उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, मानिए 400। तो सरकार बोलता है वी आर 24B में, चूंकि अक्रूअल कॉन्सेप्ट है, सीधा 10,000 अलाउ हो जाएगा टोटल ड्यू, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट। सर ये तो आपकी गलती है ना, तो ये अलाउ नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल फ्रॉम एनीवेयर, ओ माय गॉड, किसी से भी, इवन फॉरेन से भी, अगर विदेश से भी लोन लेते हो तो भी अलाउ होता है। इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो अलाउड इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और एजेंट लेंडर और लेंडर हैज एजेंट इन इंडिया। तो कहीं से भी आप लोन लीजिए फॉर एक्विजिशन, मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रेनोवेशन, अक्रूअल बेसिस पे, इंटरेस्ट अक्रूअल बेसिस, ड्यू बट नॉट पेड, इवन दैट इज ऑल्सो अलाउड। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट नॉट अलाउड, मैंने आपको दिखा दिया। जितना मन करे उतना लोन लीजिए, इनफैक्ट अगर मानिए आपके पास पुराना लोन है 10% का, आपको नया लोन मिल रहा है 8% का, आप नया लोन लीजिए, पुराने वाले को पे कर दीजिए, आपको नए वाले का भी बाबू डिडक्शन मिल जाएगा। एनी टाइप, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
any number of loan. Interest on fresh loan taken to repay the old loan is also allowed, and there is no restriction on the allowability of the interest under section 24B. Entire interest is allowed. But यहाँ पे एक exception है जिसको मैं detail में कराऊंगा, don't worry. अब सुनिए, 24B में एक concept आता है pre-construction interest का. इस बात को समझिए, pre-construction interest, आपने जो loan लिया, हो सकता है आपने loan बहुत पहले लिया है, 2016 में लिया है. आपका जो घर बना वो इस साल बना, पीवा 21-22 में, तो इसके पहले तो हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं. तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं था तो जीवी नहीं था, तो एनएवी नहीं था, तो 24 भी नहीं होगा. यानी सुने सुने सुने, अगर बेटा आपने लोन लिया घर बनाने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा उस साल से मिलेगा जिस साल घर कंप्लीट हो जाएगा. बट जो आपने अर्लियर इंटरेस्ट पे किया उसका क्या होगा, मैं एक बार बोलूंगा, सुनिएगा, एंटायर इंटरेस्ट पेड या पेबल ऑन द लोन टेकन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन इज अलाउड स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है, अब जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसको हम बोल लेंगे करेंट ईयर. सो हम क्या बोल देंगे, करेंट ईयर या ईयर ऑफ कंप्लीशन. तो इस साल का तो मिल जाएगा. जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, इंटरेस्ट विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ लोन टिल एंड ऑफ पीवाई ऑफ पीवाई प्रीसीडिंग ईयर ऑफ कंप्लीशन. तो जिस साल कंप्लीट हुआ, इवन अगर लास्ट में कंप्लीट हुआ ना, हम पूरे साल को बोलेंगे करंट ईयर. तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होगा, जिस दिन आपने लोन लिया था उस दिन से लेकर जिस साल कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन, उसके पहले वाले साल का ना अंतिम दिन यानी 31 मार्च 21. पहले बच्चे ये बताएंगे, क्या सबको ये सुनना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, किस पीरियड को मैं बोलता हूं प्री कंस्ट्रक्शन, जिस साल कंप्लीट हुआ उसके जस्ट पहले वाले साल का अंतिम दिन. वेरी गुड, अगर ये समझ में आ गया, आप क्या कीजिए, इस सबको इकट्ठा कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, एक्यूमुलेट, और इसको 1/5 अलाउ कर दीजिए, हर साल 1/5. देखिए, इन केस ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंटायर इंटरेस्ट इज अलाउड. एंटायर इज अलाउड कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द पीवाई इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. तो जिस साल आपने लिया था उस साल से अलाउ होगा. इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल बी नोन एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड इट इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द पीवाई इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. तो मतलब जिस साल कंप्लीट हुआ उस साल से. एग्जाम्पल लीजिए, मस्त एग्जाम्पल है, आपने बाबू लोन लिया है. Everybody, please, मुझे बताइए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बताइए. सारे बच्चे मुझे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बताएंगे. आपने लोन लिया है 15 नवंबर 18 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 22 को. मैं वेट कर रहा हूं. फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट मुझे बताइए. देखिए, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा. मैं तो बोलता हूं ना, एक काम कीजिए ना, पहले आप करंट पीरियड निकालिए. करंट ईयर क्या होगा, ईयर ऑफ कंप्लीशन. ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, वेरी गुड, जिस साल में 31 मार्च 22 यानी पीवाई 21-22, तो 1/4 21 टू 31 मार्च 22. तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डेट ऑफ लोन से लेकर जस्ट पहले वाले साल का लास्ट डेट. वेरी गुड मितेश, दीपक, किशन, दामिनी, पार्थ, सन्नी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. करंट पीवाई व्हेन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, पीवाई 21-22,
यानी 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। प्री कंसेप्ट पीरियड सिंपल। अब आप क्या करोगे, जब आपने लोन लिया और 31 मार्च 21 तक, यहां पे तो आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी नहीं था। हाउस प्रॉपर्टी कब आया? 21-22 में। तो 21-22 के लिए आपको 21-22 से तो पूरा मिलेगा, प्लस जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा उसका 1/5 होगा। दैट्स इट। आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा। क्या सारे बच्चे इसमें क्लियर हैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका देख लीजिएगा बुक में, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट यह है कि आपको ना बाबू लिटरली मैं बताऊं, बहुत कम चीजें जो पढ़ना है। जीएवी आपको निकालना आ गया स्टैंडर्ड, म्यूनिसिपल टैक्स आपने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, 24A आपने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, 24B भी आपने 80% पढ़ लिया, 20% बचता है। अब जो मतलब मेन फोकस होगा ना, वो होगा अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग कंडीशंस में जीएवी को कैसे निकाला जाए वो। तो अब जो हमारी लड़ाई है, ये नीचे वाला तो मैं आ गया, इसमें तो अब कुछ करना नहीं है। मेन लड़ाई होगी कि भैया जीएवी हम अलग अलग तरीकों से कैसे निकालें। जैसे देखिए कंपटीशन जीएवी अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अब ये हमने कर लिया है, लेट आउट फॉर 12 मंथ्स। मेन मजा आएगा अगर पार्टली वेकेंट एंड पार्टली लेट आउट है। बाबू आपने कहीं से भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, पार्टली वेकेंट एंड पार्टली लेट आउट। मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, अगर बाबू एक लड़ाई हो रही है, आप दुनिया के सबसे बढ़िया तलवारबाज हो, सबसे बढ़िया, और आप मुझसे लड़ने आए और मेरे पास AK-47 है, कौन जीतेगा? आप दुनिया के सबसे बढ़िया तलवारबाज हो, आप मुझसे लड़ने आए, मेरे पास AK-47 है, कौन जीतेगा? सर मैं जीतूंगा, आप आओगे मैं ऐसे ऐसे चलाता रहूंगा। जब लड़ाई होती है तो हमेशा बराबरी पे होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से, केस के थ्रू समझेंगे। एक हाउस प्रॉपर्टी है 50,000 पर मंथ पे लेट आउट हुआ है, वैकेंसी हुआ है 3 महीने का, यानी मकान खाली रहा है, फेयर रेंट है 40,000। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको बताया है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड निकालते हैं। ये कौन निकालता है? असेसिंग ऑफिसर। तो वो क्या करेगा, अपने सबसे पहले पड़ोसी से पूछेगा फेयर रेंट, बाकी कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, म्यूनिसिपल रेंट दिया नहीं है, स्टैंडर्ड दिया नहीं है, तो फेयर रेंट को क्या मानेगा, एक्सपेक्टेड मान लेगा। असेसिंग ऑफिसर हमेशा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट 12 महीने के लिए निकालता है, एक छोटा एक्सेप्शन है, एंड में बताऊंगा, लास्ट में। इन जनरल जो लॉ बनता है वो क्या बनता है, एक्सपेक्टेड। सर भाई सरकार तो ही सोचेगा ना कि आप 12 महीने के लिए लेट आउट हो, तो 40,000 × 12 4,80,000। आपने एक्चुअल में कितना कमाया, 50,000 पर मंथ, बट बाबू 3 महीने तो खाली था ना, तो आपने 9 महीने कमाया 4.5 लाख। अब सुनिए ध्यान से, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर एक्सपेक्टेड रेंट 100 रुपया है और आपका एक्चुअल रेंट 90 है, तो गवर्नमेंट आपको ना, बस समझने के लिए ना, बोलता है चोर, जब टैक्सी चोरी कर रहे हो, कि एक्सपेक्टेड से कम तो हो नहीं सकता है। अब जैसे उनका एक्सपेक्टेड है 480, आपका एक्चुअल आया 450, सरकार ने बोला चोर, आप क्या मान लोगे? कोई मुझे चोर बोलेगा मैं मान जाऊंगा, स्पेशली जब मैंने चोरी नहीं की, तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये तो गलत लड़ाई है, खुद तो 12 महीने, मेरा 9 महीने, हमें तो अपनों ने लूटा, 11 में कहां दम था, हमारी तो एक्चुअल इसलिए कम है क्योंकि हमारे में वैकेंसी था। तो इनकेस ऑफ वैकेंसी आप दोगे अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा मतलब आप ऐसे करिए कि सर लेट्स मेक द बेस कॉमन, एक्चुअल रेंट रिसीव रिसीवेबल इफ नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या होता, तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो 50,000 × 12 6 लाख होता। तो कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट 480 है, एक्चुअल कितना है 450 है, अब रेंट रिसीवेबल इफ नो वैकेंसी
ये कितना होता है 6 लाख। इसका मतलब हुआ कि आप वैसे तो ईमानदार हो, वैसे आप ईमानदार हो, आपका एक्चुअल इसलिए कम है क्योंकि वैकेंसी का रीजन है, तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है। तो गवर्नमेंट बोलता है ओके, अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से इसलिए कम है क्योंकि वैकेंसी था, तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपका जीएवी ये ले लेंगे। इन दिस केस, ये लैंग्वेज याद करना है बाबू आपको, इन दिस केस एक्चुअल रेंट रिड्यूसेबल इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, बट रेंट रिड्यूसेबल इफ नो वैकेंसी एक्सीड्स ईआर। तो वैसे तो आपका एक्चुअल 450 है, एक्सपेक्टेड 480 है, बट अगर वैकेंसी नहीं होता तो 600 होता। दिस मीन्स एक्चुअल रेंट इज लेस देन ईआर ड्यू टू वैकेंसी, तो जीवी कितना हो जाएगा एक्चुअल रेंट। वेरी गुड। अगला केस, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हुआ है 35,000 पे, वैकेंसी फिर से 3 महीना है, ओके, तो एक्सपेक्टेड रेंट है 480 और एक्चुअल कितना है, एक्चुअल 35,000 इंटू 9। सरकार ने बोला चोर, अब क्या बोलोगे, ना ना ना, हम देंगे अग्नि परीक्षा, अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या होता, तो अगर वैकेंसी नहीं होता इंटू 12 करते हैं, तब भी तो 4,20,000 ही आता। ओ माई गॉड, बताओ आप ईमानदार साबित हुए या बेईमान, एक तरह से आप ईमानदार साबित हुए कि बेईमान, जब मैं दोनों का बराबर कर दिया आपका फिर भी एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, ईमानदार की बेईमान बताइए जल्दी। बेईमान, इन दैट सिनेरियो सरकार बोलता है हम आपको पनिशमेंट देंगे, एक्सपेक्टेड को ले लेंगे जीओबी। क्या सारे बच्चे एकदम क्लियर है इस पे, मैंने क्रक्स बना दिया, एक्सपेक्टेड रेंट ऑलवेज ऑफ 12 महीने, ओनली वन एक्सेप्शन एंड में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, अमाउंट एक्चुअल रिड्यूसेबल 12 महीने माइनस वैकेंसी। कैसे, अगर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू वैकेंसी तो एक्चुअल रेंट ले लेंगे, वरना एक्सपेक्टेड रेंट। बच्चा बोला सर वो तो ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन हम थोड़ी देर बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर देते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे तो एक तो ये जीवी हो गया, अगला है फुल्ली वेकेंट और फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड। बात यह है बाबू, केस टू हो तो गया, एक्सपेक्टेड को ले लेंगे ना बाबू, अगर आप चीटर साबित हुए तो जो हायर होगा जीवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, ये आपका एक्सपेक्टेड मान लेंगे, ठीक है। बस ये चैप्टर एंड होगा, जितना भी समय लगे, जितना भी समय लगे ये चैप्टर एंड करके घर चलेंगे, मान के चलिए 40 मिनट्स और। गिविंग द फॉलोइंग केस, देखिए बाबू प्लीज लॉजिक समझिएगा, एक है फुली वैकेंट यानी रेंट आपका 0 आया है, और फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड यहां भी रेंट 0 आया है। अब टेक्निकली बोला जाए तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, देखो जीएवी तो दोनों में 0 होगा, म्यूनिसिपल टैक्स, अब सुनिए ध्यान से, फुल्ली वेकेंट और फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो अंतर पता है क्या है, आपकी नियत का है, नियत। वेकेंट का मतलब हुआ कि मेरा नियत है रेंट पे देने का, वो तो भाग्य खराब है, कोविड चल रहा है, कोई आया नहीं रहने, तो नियत था रेंट पे देने का, तो यहां पे म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ हो गया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नियत था ही नहीं तो यहां पर अलाउ नहीं हुआ है, तो एनवी फुल्ली वेकेंट में नेगेटिव होगा, मतलब बेसिकली जितना म्यूनिसिपल टैक्स माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड में निल होगा, 24A निल निल होगा। अगला पॉइंट सबसे जबरदस्त बाबू, नियत, नियत यहां पर इंटेंशन टू लेट आउट है, आप इस बात को समझिए, इंटेंशन टू लेट आउट, और यहां पे इंटेंशन नहीं है, तो वेकेंट में ना हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन व्हाट्सएवर, तो यहां पे डिडक्शन फुल्ली अलाउड है,
यहां पे रिस्ट्रिक्शन है 30,000 या 2 लाख पर असेसी। अब सुनिए ध्यान से, अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्युपाइड ही मानते हैं, अनऑक्युपाइड हो या सेल्फ ऑक्युपाइड हो सेम है। वेकेंट वर्ड लिखा होगा, वेकेंट वर्ड लिखा होगा जहां पे टू लेट का बोर्ड होता है। अगर फुल्ली सेल्फ ऑक्युपाइड है, एक रिस्ट्रिक्शन है 24B का, मैक्सिमम 30,000 इन अ पीवाई, पूरा 30,000। बट अगर आपने चार कंडीशन पूरे कर दिए, कितने कंडीशन, चार कंडीशन, क्या क्या था, 1 अप्रैल 1999 के बाद का लोन होना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन होना चाहिए, 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन, और एक CA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दैट सिनेरियो हम 2 लाख मान लेंगे, वरना अगर रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो वहां पर 30,000 होगा। अब यहां पे ना पर देख लीजिए, इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन सेटिस्फाइड, मैक्सिमम 2 लाख मान लेंगे लोन 1499 के बाद, कंस्ट्रक्शन यानी रिपेयर के लिए नहीं होना चाहिए, रेनोवेशन के लिए नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, 5 साल के अंदर, और एक CA का सर्टिफिकेट। अब सुनिए ध्यान से, एंड इंपॉर्टेंट ये, एक असेसी, कोई बताएगा मुझे कितने हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो एज पर द लॉ, कितने हाउस प्रॉपर्टी को बाबू आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो, प्लीज बताइए कितने हाउस प्रॉपर्टी को। सारे बच्चे बोल रहे दो, अब सुनिए इसका ट्रीटमेंट कैसे है बाबू, प्लीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किशन के पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे, एग्जैक्टली ऐसे करेंगे, मानिए बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी चारों कंडीशन पूरे कर दे रहे हैं। अब पहले वाले का इंटरेस्ट है 3 लाख, कितना लाख होगा, 2 लाख, दूसरे का है 75, तो 75,000 टोटल आ गया 275। बट मैंने क्या बोला, ये जो 2 लाख है ना, ये पर असेसी है। तो आप पहले तो हाउस प्रॉपर्टी के दम पे निकाल लीजिए, और फिर क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख पर असेसी। दूसरा, फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फुलफिल ऑल द 4 कंडीशंस, तो यहां पे 2 लाख का लिमिट हो गया। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट फुलफिल द कंडीशन, तो 30,000 लिमिट हो गया। अब मानिए पहले वाले हाउस प्रॉपर्टी का 3 लाख है, लिमिट 2 लाख तक है, तो हम 2 लाख दे देंगे। दूसरे वाले का 75,000 है, बट लिमिट कितना है, 30, तो हम 30 दे देंगे, 230 आ गया। बट प्रॉब्लम फिर से वही आएगा कि मैक्सिमम पर असेसी 2 लाख रहेगा। अब देख लो, आपको 2 लेवल पे कट शॉर्ट करना है, एक तो पर हाउस प्रॉपर्टी भी आप चेक कीजिएगा, और ओवरऑल भी 2 लाख एक्सीड नहीं करेगा। तीसरा, नन ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फुलफिल ऑल द कंडीशंस। अब हाउस प्रॉपर्टी 1 का भी 3 लाख है, 2 का भी 75,000 है, कंडीशन फुलफिल हो नहीं रहा है, तो फर्स्ट का भी 30, सेकेंड का भी 30, कंबाइंड 60। बट मैंने क्या बोला, पर असेसी का भी तो लिमिटेशन है, तो जो ये रिस्ट्रिक्शन है 30,000 या 2 लाख का, ये पर हाउस प्रॉपर्टी भी है एंड पर असेसी भी है विथ रिस्पेक्ट टू बोथ हाउस प्रॉपर्टीज। थैंक्स यार शिखर, थैंक्स शिखर बाबू, ये समझ में आया तीनों कंडीशन। इसके अलावा एग्जाम कितना भी घुमा दे, आप पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने ये तरीका फॉलो कर लिया कि आपको पर हाउस प्रॉपर्टी भी चेक करना है और ओवरऑल भी चेक करना है। अब देखिए नोट्स, इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड विथ रिस्पेक्ट टू बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और दोनों बेकार वाले, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो मैक्सिमम एग्रीगेट 30,000 पर असेसी विद रिस्पेक्ट टू बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, और इफ ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू 1 और बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम एग्रीगेट लिमिट अप 2 लाख हो जाएगा, अगेन पर असेसी विद रिस्पेक्ट टू बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये फाइनल है मेरी तरफ से, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता है। आप लेक्चर के बाद पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा,
एक और जुगाड़ देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड पार्टली वेकेंट है। ज्यादा तेज नहीं, असेसी चाहेगा ना वेकेंट में आने का। वेकेंट में क्या फायदा है, 24B पूरा मिल जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स भी मिल जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 24B में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और म्यूनिसिपल टैक्स तो मिलता ही नहीं है। तो सरकार ने बोला ना, अगर पार्टली वेकेंट और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम फुल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर म्यूनिसिपल टैक्स नहीं देंगे और 24B देंगे विद रिस्ट्रिक्शन। दैट्स इट। अगला, अगर आप मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी हो विच यू क्लेम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि मैंने बता दिया 2 हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हो, मान के चलिए आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, अब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला एकदम रिलैक्स बाबू, हेलो, पूरे हाउस प्रॉपर्टी का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ही बनता है, मैं तमीज से कराऊंगा रिवाइज, सुनिए। आपको 3 हाउस प्रॉपर्टी दे देगा और क्या बोलेगा, तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आपको पता है आप 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, 1 को डीम लेट आउट, तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, केस 1 में HP1 HP2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड HP3 को डीम लेट आउट, केस 2 में HP1 HP3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड HP2 को डीम लेट आउट, केस 3 में HP2 और HP3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड HP1 को डीम लेट आउट। अब एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये निकालेंगे, बाबू ये बहुत ट्रिक है, 1, 2, 3, आप पहले तीनों का ना डीम लेट आउट मान के निकाल लीजिए, यानी जो घर है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बट आप ये मान लीजिए डीम लेट आउट। जब आप इसे डीम लेट आउट मानेंगे तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि आप तो इसे लेट आउट मान रहे हैं। एक बार जब डीम लेट आउट आपने मान लिया, उसके बाद आप एक केस बनाइए, ट्रीट एनी 2 सच सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी, ट्रीट रिमेनिंग हाउस प्रॉपर्टी एज डीम लेट आउट, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डीम लेट आउट जिसको आपने डीम लेट आउट माना है, जीएवी एक्सपेक्टेड ले लेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ हो जाएगा और 24A भी अलाउ होगा, और ये जो लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं है, फुल 24B अलाउ होगा, फुल 24B, क्योंकि आप इसको डीम लेट आउट मान रहे हैं ना। जब आपने लेट आउट मान लिया तो रिस्ट्रिक्शन किस बात का? तो इससे पूर्ण क्या होगा, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम ईच हाउस प्रॉपर्टी एज डीम लेट आउट एंड फिर आप ये ऑप्शन क्रिएट करेंगे। बट आई अंडरस्टैंड ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए एवरीबॉडी एकदम अपना अटेंशन टॉप पर रखेंगे, सुनिए। 6.5 पे आना है, गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज गिवन बिलो। देखिए तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो मैंने क्या बोला, पहले तीनों को ना डीम लेट आउट माननी है, जिंदगी आसान रहेगा। अब जब डीम लेट आउट मानेंगे तो विच इज हायर, तो कितना होगा, 375 एंड देन लोअर 350, तो आपका एक्सपेक्टेड एंड 350 है, तो बेसिकली आपका जीवी कितना हो जाएगा, 350। उसके बाद से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना होता है, म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का, तो बात है 36,000 माइनस कर देंगे तो आपका एनएवी आ जाएगा 314। 24A सीधा 30% उड़ा दीजिएगा, 94,200 एंड 24B इंटरेस्ट है ही नहीं, कमाल हो गया, तो 24B यहां पे नहीं है। ओके कितना है ये बाबू, कैलसी कितना है ये, 2,19,800।
नेक्स्ट पे देखिए 360 एंड 275, तुमने 360 ले लिया एंड 360 एंड 370 व्हिच इज लोअर, तुमने 360 ले लिया। अगेन म्युनिसिपल टैक्स तो 360,000 का 8% 28,800, 30% हटाइए। अब देखिए मुझे जवाब दीजिए, मैं इंटरेस्ट कितना माइनस करूं 24 बी में, प्लीज लेट मी नो मैं इंटरेस्ट कितना माइनस करूं 24 बी में। मैं इंटरेस्ट कितना माइनस करूं, किशन कह रहे हैं 30, बाकी बच्चे प्रज्वल कह रहे हैं 30, आकाश कह रहे हैं 30, दीपक कह रहे हैं 55। अब सुनिए बाबू फंस गए, इसीलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं। मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला कि अगर आप डीम लेट आउट मान रहे हो तो लेट आउट मान रहे हैं ना, तो कहे का रिस्ट्रिक्शन? अगर आपने लेट आउट मान लिया तो किस बात का रिस्ट्रिक्शन? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा 55 अलाउ होगा। अरे बाबू रिपेयर का तो दब देखेंगे ना जब इसे सेल्फ ऑक्यूपाई मानेंगे, अभी तो हम डीम लेट आउट मान रहे हैं। यहां पे सबकी गलती होने के चांसेस थे, कई बच्चों का गलती हो गया। आगे देखते हैं 330 380 हाइयर 380 और 380 375 लोअर 375, तो 375 अगेन आपका 6% 19,800, तो 355 200 24 आप निकाल लेना। बताइए 24 बी में कितना लूं, इस वाले केस में हाउस थ्री में 24 बी कितना लूं? वेरी गुड, पूरा 175, कोई लिमिट नहीं। अगर ये 275 होता तो मैं 275 लेता, अगर ये 50 लाख होता मैं 50 लाख लेता, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अब ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका ये वाला केस बन गया डीमैट आउट। अब आप करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाई, एक काम करें आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे ध्यान से, लेट्स डू इट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं। डीमैट आउट 73,640, अगर हाउस प्रॉपर्टी वन सेल्फ ऑक्यूपाई हो, अब इसी हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई की नजर से देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाई जीवी नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, एनएवी नील, 24 है नहीं, केवल 24 बी जो है ही नहीं, जीरो। हाउस प्रॉपर्टी टू, इसको अब सेल्फ ऑक्यूपाई की नजर से देखिए, तो एनएवी नील, 24 ए नील, केवल 24 बी। अब बताइए अगर ये हाउस प्रॉपर्टी को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो मेरा 24 बी कितना मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कंबाइन करेंगे आपका इनकम आएगा 43,640। आगे बढ़ते हैं, किस टू पे आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टू को डीम लेट आउट, तो 176,840, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी वन का सेल्फ ऑक्यूपाई तो जीरो हो रहा है, एचपी थ्री की बात करते हैं, आइए एचपी थ्री, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी थ्री को सेल्फ ऑक्यूपाई मानना है तो कितना होगा, प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया, ये आपका 1499 के बाद का है, परचेज है, और वैसे 5 साल के अंदर हम मानेंगे कंप्लीट हो गया है, और सीगत सर्टिफिकेट भी अज्यूम कर लेंगे, तो ये आपका 175 बाबू यहां पे अलाउ हो जाएगा, तो ये आपका होगा 1840।
अब आइए थर्ड केस में। थर्ड केस में हाउस प्रॉपर्टी वन की बात करते हैं। डीम लेट आउट 219,800। थोड़ा सा ना मेसअप हो रहा है बट कोई नहीं, चलिए। अब हाउस प्रॉपर्टी टू, तो हाउस प्रॉपर्टी टू मुझे यहां से मिल जा रहा है 30,000। हाउस प्रॉपर्टी थ्री यहां से मिल जा रहा है 175। बट बेटा, आपको मैंने पढ़ा चुका हूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 2,00,000 एक्सीड नहीं कर सकता है। तो आपका मेन आंसर आएगा यहां पर 19,800। समझ में आया कि ये जो आपका टोटल है 205,000 नहीं होगा, 2,00,000 होगा। दिस इज बाय फार द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्या सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? अगर सॉल्व हो गया और जिन बच्चों का एक भी गलती नहीं हुआ, सब कोई अपने लिए एक छोटा सा ताली बजा देंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट छोटे छोटे हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। बाबू ये बात को आप याद रखिए, जीवन अच्छा नहीं है, लाइफ इज नॉट फेयर। ठीक है, वैकेंसी में आपने लड़ झगड़ के वो कर लिया था, रेंट डिसड्यूसेबल इफ नॉट वेकेंट, बाकी जगह ऐसा नहीं होता। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, मानिए लेट आउट है 10 महीने और सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2 महीने, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने के लिए निकलेगा क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर है वो तो 12 महीने का लेता है। एक्चुअल रेंट ना 10 महीने का निकलेगा और आपको ऐसे ही कंपेयर करना पड़ेगा। सर ये तो नाइंसाफी है। भैया जीवन ऐसा ही होता है, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने के लिए होगा, जो एक्चुअल होगा 12 मंथ माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। वाइल कंप्लीटिंग जीवी इट विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, दैट्स इट। जिंदगी में कुछ चीजें सिंपल होती हैं, ये वही है। एक्सपेक्टेड 12 महीने का सेल्फ ऑक्यूपाइड में, जो एक्चुअल होगा, जो भी एक्चुअल रेंट है पर मंथ 12 माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, दैट्स इट। अगला, ओहो सॉरी, ये रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। अगला है अनरियलाइज्ड रेंट। तनु वेट्स मनु में एक याद है वो लॉयर भाई, वो उनका किराया नहीं दे रहे थे। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपका किरायादार आपको किराया नहीं देता है तो क्या करना है, देखिए पहले तो एक रूल 4 है, उसमें 4 कंडीशन था। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने लीगल एक्शन लिया है, वो बंदे को अपने घर से निकाल दिया है, या आपने कोशिश करी है, वो बंदा आपके किसी और घर पे कब्जा करके नहीं बैठा है, एंड मतलब वैलिड टेनेंसी है, बोनाफाइड है, जेन्युइन है, टैक्स प्लानिंग नहीं है। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जा रहे हैं, इन दैट सिनेरियो सिंपल सा क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट ना सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की तरह होता है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की तरह होता है। रेंट इज इररिवोकेबल, मतलब रिकवर नहीं हो रहा है, दैट इज बैड डेट। 4 कंडीशन ऑफ द रूल 4 इज सेटिस्फाइड, वो 4 कंडीशन मैंने बता दिया, लीगल एक्शन आपने लिया, या आप कन्विंस कीजिए कि लीगल एक्शन का कोई फायदा नहीं है, दाऊद इब्राहिम का बेटा है भाई। दूसरा, वो बंदा आपने किसी और प्रॉपर्टी में ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है, आपने इसे घर से निकाल दिया है या कोशिश किया है और बोनाफाइड टेनेंसी है, तो ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या होता है, सिंपल, एग्जैक्टली लाइक पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द एक्चुअल रेंट डिस्ट्रीब्यूसेबल। तो कैसे होगा, जो एक्चुअल रेंट पर मंथ है इनटू 12 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, और जीवी क्या होगा, हायर ऑफ, अगर मानो मैं इसे ए मान लेता हूं और इसे बी मान लेता हूं, तो हायर ऑफ ए एंड बी। नो स्पेशल ट्रीटमेंट लाइक वैकेंसी। एक तो ये ट्रीटमेंट है, स्टडी मैथ में एक ट्रीटमेंट और दिया है इन द फुटनोट। वो ट्रीटमेंट क्या बोलता है, नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए जीवी विदाउट डिडक्टिंग द अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम एक्चुअल रेंट, और जीवी में से ना म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, यहीं पे माइनस कर दीजिए,
एग्जाम में आप ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ये वाला भी फॉलो करने का है, स्पेशली रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते समय, कि आप सीधा अनरियलाइज्ड रेंट में से माइनस कर दीजिए। दैट्स इट। अगला है, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये पीजीपीपी में भी आता है। ऐसा हो सकता है कि मानिए कोई बंदा आपको रेंट नहीं दिया, घर छोड़ के भाग गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकता है वो आपको बाद में रेंट दे दे। अब गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कभी अनरियलाइज्ड रेंट या कोई डिस्प्यूटेड रेंट जिसका अरियर ऑफ रेंट रिसीव हो गया, तो गवर्नमेंट बोलता है कि देख किशन, जो भी मिला उसी साल पकड़ के टैक्स कर देंगे। पहला पॉइंट, पुराने साल को नहीं छेड़ेंगे, जिस साल पैसा मिला उसी साल टैक्स करेंगे। किस हेड में? हाउस प्रॉपर्टी में। इवन अगर आपने घर बेच दिया है फिर भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। और तीसरा, मात्र 70% टैक्स होगा। तो तीन बात याद रखिएगा, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट सेक्शन 25 है, टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस साल मिला उस साल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द असेसी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ रिकवरी। मतलब मानिए अनरियलाइज्ड रेंट था 16-17 का, 30 मार्च को आपने हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया और ये अनरियलाइज्ड रेंट कई सालों बाद करंट ईयर में रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट विद रिस्पेक्ट टू पीरियड 16-17। अब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है, स्टिल हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द पीवाई, भले आपने बेच दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लॉजिक तो मैंने दिया था, अभी सिंपल कर लेंगे। जितना पैसा मिला 30% उड़ा दीजिएगा, 70% आपका हो जाएगा। अगर मानिए वो जो टीनेंट है, टीनेंट वो बहुत खुददार है, वो कह रहा है सर ये लीजिए रेंट और साथ में 12% का इंटरेस्ट रेट, तो जो इंटरेस्ट देगा ना अदर सोर्स, इफ द एक्स टीनेंट ऑल्सो पेज इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। किशन बाबू बिल्कुल, अगर ऑलरेडी टैक्स हो चुका है तो नो ट्रीटमेंट होता है, वो वाला पॉइंट आपकी स्टडी मैप में नहीं दिया इसलिए मैं नहीं कवर करा रहा। आगे, नॉर्मली एक घर का मतलब एक घर, पर आपको पता है ना ये बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, उसमें मल्टीपल फ्लैट बन सकते हैं, तो कई बार क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी का मतलब केवल ये नहीं होता कि एक घर, अलग अलग यूनिट को हम अलग अलग घर भी मानते हैं। ऐसा हो सकता है एग्जाम में आ जाए एक हाउस प्रॉपर्टी है, 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 50% लेट आउट है फॉर 10 मंथ एंड 2 मंथ वैकेंसी है, 25% बिजनेस प्रोफेशन यूज हो रहा है। तो सिंपल क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जिंदगी आसान रखना है। आप ना इसको एक मत मानिए, इसको आप 3 मानिए। आपको सेल्फ ऑक्यूपाई बता दिया गया, लेट आउट वाला बता दिया गया, और बिजनेस प्रोफेशन में तो सिंपल सा ये करना है, कोई रेंटल का ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो एक्चुअल खर्चे हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 वो माइनस होगा। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी खर्चे हैं ना या म्यूनिसिपल रेंट वगैरह उसको इस रेशियो में बांट दीजिएगा। तो अगर मानिए एक घर है उसको अपने अलग अलग पोर्शन में बांटा हुआ है, ट्रीट ईच पोर्शन या ईच यूनिट एज सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेट द इनकम सेपरेटली। पॉइंट बस ये आपको ध्यान रखना है, जो फेयर रेंट, म्यूनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट या जो भी ये सब है, शैल बी अपोर्शन टू ईच हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द फ्लोर एरिया और अदर रीजनेबल बेसिस। तो इस तरह से आप उसको बाइफर्केट कर देंगे। That's it. Owned house property, used by SSE, ये मेरे पापा जी, वो अपने प्रॉपर्टी में अपनी दुकान चलाते हैं। अब यहां पर तो बिजनेस प्रोफेशन है, जैसे बिजनेस प्रोफेशन आ गया आपका हाउस प्रॉपर्टी साइड हो जाएगा, कोई नोशनल रेंट माइनस नहीं होगा, कोई नोशनल रेंट आपका टैक्स नहीं होगा ऑथोरिटी। सिंपल क्या करेंगे, जो एक्चुअल खर्चे हैं इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 वो अलाउ हो जाएगा। दैट्स इट। इस पे भी आपके क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन है, प्लीज आप देख लीजिएगा, एक्चुअल खर्चे माइनस करना है। दैट्स इट। अब देखिए अगला है कोन प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्लास में डिटेल में समझाया था
कि आजकल बिकॉज घर का दाम बढ़ गया है तो हस्बैंड वाइफ नॉर्मली क्या करते हैं, मिलकर घर खरीदते हैं, लोन इकट्ठे लेते हैं। फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक छोटा सा कोई लॉलीपॉप दिया है कि अगर आप को ओन्ड प्रॉपर्टी लेते हो जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सबसे बड़ा लालच ये है, सबसे बड़ा लालच है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना तो याद है वो 30,000 एंड 2 लाख का लिमिट था, दोनों को मिल जाएगा अलग अलग। क्या बात करते हो सर, यस। तो अगर मानिए हस्बैंड का है 175 और वाइफ का है 190, अगर ये जॉइंट है को ओन है तो दोनों को पूरा पूरा मिल जाएगा। तो एनएवी इनल क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 24 बी में जो 30,000 एंड 2 लाख पर असेसी होता है, इट शैल बी अलाउड टू ईच को ओनर सेपरेटली, तो ये लिमिट दोनों को मिल जाता है। यही सबसे बड़ा लालच है को ओनरशिप का। बाकी अगर लेट आउट किया गया है, अगर लेट आउट किया गया है कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप ना हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल दीजिए। अब अगर शेयर दिया हुआ है, मानो 40-60 दिया है, तो आपको जैसे पढ़ाया गया है जेवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, एनएवी माइनस 24A माइनस 24B हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इसको उस रेशियो में बांट दीजिए। तो अगर शेयर गिवन है लेट आउट में, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इन द नॉर्मल मैनर एंड अलोकेट द इनकम इन द रेशियो ऑफ ओनरशिप। जो भी रेशियो दिया हुआ है आपको अलग से कुछ करना नहीं है, एंड में जाकर बस दो पार्ट में तोड़ देना है। और अगर शेयर नहीं दिया हुआ, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, अगर थ्योरेटिकल मैं आपको बताऊं कि आप दो लोग को ओनर तो हैं बट शेयर नहीं पता और लेट आउट है, और मानिए 10 लाख आपका मांग रहे हो, टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है मान के चलिए 2 लाख, सरकार बस इतना बोलता है कि हम दोनों में से किसी से भी ले लेंगे, पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द नॉर्मल मैनर एंड एंटायर इनकम शैल बी टैक्सेबल एज इनकम ऑफ द को ओनर। इसका मतलब हुआ डिपार्टमेंट कैन रिकवर द एंटायर टैक्स फ्रॉम एनी ऑफ द को ओनर, जो लपेटे में आएगा मैं उससे निकाल लूंगा। साथ ही साथ अगर हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड है फर्म या कंपनी, याद कीजिए अगर वो ओन्ड है भाई ये फर्म और कंपनी, तो फर्म के केस में फर्म ही मालिक रहेगा, पार्टनर नहीं हो जाएगा, और कंपनी केस में कंपनी मालिक होगा, शेयर होल्डर नहीं होगा। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द इनकम ऑफ द कंपनी एंड फर्म एंड नॉट ऑफ द शेयर होल्डर एंड पार्टनर्स। नेक्स्ट सबलेटिंग, अब रियलिटी में तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये सेक्शन 56 है, बट कोई बात नहीं। देखिए कई बार ऐसा होता है, बहुत कॉमन है, अगर आपने मूवी देखी है दोस्ताना, कितने बच्चों ने दोस्ताना मूवी देखी है? नहीं किशन, 50% ईच नहीं करेंगे आप, किशन 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 भाई, या 50% नहीं करेंगे, सरकार की नजर में जो आएगा उसको लपेटे में ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, अगर आपने जितने देखा है जान लीजिए, वहां पर ना प्रियंका चोपड़ा ने मकान मालिक से लिया था किराए पे। अब प्रियंका चोपड़ा जो रेंट पे, तो मकान मालिक ने प्रियंका चोपड़ा को दिया था, तो प्रियंका चोपड़ा जब रेंट पे करेंगी, टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ओनर एज हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनर है, लेट आउट है और हाउस प्रॉपर्टी है, तीन कंडीशन चाहिए था सेक्शन 22। बट चूंकि महंगा पड़ रहा था तो प्रियंका चोपड़ा ने सबलेट कर दिया था जॉन अब्राहम एंड अभिषेक बच्चन को। बट यहां पर सबलेटिंग है, हाउस प्रॉपर्टी है, बट क्या प्रियंका चोपड़ा मालकिन है? क्या ओनर नहीं है, वो टेनेंट है। तो जो सब लेटिंग होता है इसको हम अदर सोर्स में मानते हैं, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आने के लिए जो लेट आउट कर रहा है वो मालिक होना चाहिए। तो सब लेटिंग कहां जाता है? अदर सोर्स में जाता है। याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा को जितना भी रेंट मिलेगा उसमें जो भी खर्चा हुआ, और इस रेंट को कमाने के लिए टेनेंट ने आगे भी तो रेंट पे किया हुआ है, तो एक्सपेंस माइनस करेंगे लेस प्रोपोर्शनेट रेंट पेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपके क्वेश्चन बैंक में इस पे भी क्वेश्चन है, दैट्स इट। किसी को डाउट इसमें? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट जल्दी से बताइए। चलिए अगला है
रेंट फ्रॉम हॉस्पिटी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. सुनिए ध्यान से, एक तो बस याद रखिएगा, इफ टैक्स ऑन इंडिया सेक्शन 22-27 अप्लाइज, मतलब कोई अंतर नहीं है प्रॉपर्टी इंडिया का है कि इंडिया के बाहर का है, बस फॉरेन करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट कर देना है. अगर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो ये अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है. अब अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है बट आरओआर में तो ग्लोबल इनकम टैक्स होता है, तो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट सच हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्स होता है. सिंपली कन्वर्ट फॉरेन करेंसी टू INR, बाकी वही वाला किस्सा, जीवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, एनएवी 24A 24B, दैट्स इट. सेम तरीका, बस आपको डॉलर या पाउंड को INR में कन्वर्ट करना है, डॉलर या पाउंड को INR में, उसका भी रेट ऑफ एक्सचेंज दिया रहेगा. मेन मजा आएगा इस वाले में, अगर नॉन रेजिडेंट है या इनवार है तो पता क्या करना, आप पूछिएगा इज रेंट रिसीव्ड इन इंडिया, इफ रेंट रिसीव्ड इन इंडिया तो ये कैटेगरी, भैया हमने अभी रिवाइज कराया था, अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव इन इंडिया कैटेगरी नंबर टू टैक्सेबल इंडिया. सेम वाला केस, बट इफ रेंट Not received in India, तो बेटा accrue भी बाहर, receive भी बाहर, category number 3, जिनको ये category 2 और 3 समझ में नहीं आ रहा है, बाबू इसके जो पहला वाला lecture है उसमें incidence of tax के अंदर section 5 के अंदर हमने ये समझाया हुआ है, यहां पर tax नहीं होगा क्योंकि non resident और NR में house property income tax नहीं होता है. समझ में आया? अगर बेटा आरवार है तब तो ग्लोबल इनकम टैक्स है, कुछ करना ही नहीं है. अगर एनवार या एनआर है तो अक्रू अराइज आउटसाइड हुआ है, तो रिसीव इंडिया में है तो इंडिया में टैक्स कीजिए, वरना अक्रू भी बाहर रिसीव भी बाहर तो इंडिया में टैक्स कैसे कर लेंगे, करेंगे ही नहीं. ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं किशन भाई, सेक्शन 5 आगे. अगला है स्पेशल केस. नाउ क्लास में बताया था कि रियल इस्टेट मार्केट आजकल प्रॉब्लम में गुजर रही है, आजकल क्या पिछले 4-5 साल से. नतीजा ये हुआ है कि बिल्डर से बिल्डिंग बना ली है बट वो बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है तो मालिक तो बिल्डर है, मालिक बिल्डर है और वो बिल्डर भाई खाली रखा हुआ है, ओनर ऑफ सो मेनी बिल्डिंग, गवर्नमेंट उस पर टैक्स मांग लेता है. तो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा रिलीफ क्या दिया, पुराना कॉन्सेप्ट है ये कि जिस साल आपका कंप्लीट हुआ और अगर वो वेकेंट रहा, मतलब नॉट सोल्ड रहा, तो आपका जो जीवी होगा वो निल मानेंगे. अच्छा, अगर जिस साल कंप्लीट हो गया उसके 2 साल बाद तक, 2 years from the end of the PY in which the construction is completed, यहां पर भी अगर आपने इसको नहीं बेच पाए जीवी को हम निल मान लेंगे. तो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल और अगले 2 साल तक अगर आप नहीं बेच पाए तो हम क्या मानेंगे, उसको जीवी को निल मान लेंगे. पर अगर आपने उसके बाद भी नहीं बेच पाए तो बेटा हम जीवी को एक्सपेक्टेड निल मान लेंगे. ये इंपॉर्टेंट है. जिस साल कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट में, ये स्पेशल केस है रियल इस्टेट कंपनी के लिए कि रियल इस्टेट कंपनी ने फ्लैट बना दिया बेच नहीं पाया, तो उस साल जिस साल बना अगले 2 साल तक हम इसका जीएवी को टैक्स नहीं करेंगे, बट 2 साल के बाद हम उसे एक्सपेक्टेड रेट लेकर टैक्स कर देंगे. पॉइंट है किस हेड के अंदर, अब सुनिएगा ध्यान से, भावना शब्दों का खेल देखिए. अ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, ये कह रहा है कि मेरा बिजनेस है किराए पे देना, पीजीपी में टैक्स होगा. बट अगर यही पर्सन इज होल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव
इज नॉट टू रेंट आउट बट सेल. वो तो मजबूरी है ना मेरी कि मेरे पास स्टॉक पड़ा है, बिक नहीं रहा है, तो मैंने टाइम पास के लिए उसको रेंट पे चढ़ा दिया है. तो मैं रेंट कमा रहा हूं, भले मैं रियल एस्टेट वाला हूं, क्या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है? नहीं ना. तो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. मेरा मेन बिजनेस रेंटिंग आउट का नहीं है, ये तो मैं मजबूरी में पैसा कमा ले रहा हूं रेंटल का, हाउस प्रॉपर्टी. प्लीज इसको याद रखिएगा, क्लास में डिटेल में समझाया था, मोटा मोटा बस इतना ही रखना है. अगर बिजनेस ऑफ रेंटिंग आउट बोल दे तो पीजीपी. अगर आपके पास बस स्टॉक इन ट्रेड है जो आप बेच नहीं पा रहे हो और आपने उसको टाइम पास करने के लिए कुछ दिन के लिए इन द मीन टाइम जब आपको कुछ पैसा मिलता रहे आपने उसको किराए पर दे दिया, तो आपका पीजीपी नहीं मानेंगे हम, इसको हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे. एंड लास्ट सेक्शन नंबर 27, ये क्या बोलता है? डीम ओनर, जो ये कौन है? ये दुल्हा है. दुल्हा मतलब ये वो पर्सन है हु इज लायबल टू पे टैक्स. डीम ओनर वो पर्सन होता है हु इज लायबल टू पे टैक्स. प्लीज अंडरस्टैंड कि हम आपको ओनर तब मानते हैं जब आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है. मैंने क्लास में डिटेल लॉजिक दिया था इसका, बट मोटा मोटा हम आपको टेक्निकली ओनर तब मानते हैं जब आपके नाम पे रजिस्ट्री होती है. बट ऐसे कई सारे केसेस हैं जब रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं है बट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी आप करते हो. तो गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया अगर रजिस्ट्री है तो ओनर, बट अगर रजिस्ट्री नहीं है बट यू आर एंजॉइंग प्रॉपर्टी, मजे आप ले रहे हो प्रॉपर्टी के, तो सरकार ने उसको डीम ओनर के अंदर डाल दिया. कई सारे केसेस है, मैंने शॉर्टकट दिया था. पूरे आईपीएल में परफेक्ट कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी. तो आईपीएल में एमएस परफेक्ट कैप्टन है. आई से होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, जैसे आपने 4 फ्लोर का बिल्डिंग है और जो छत है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कैसे होगा? तो चारों का हो जाएगा. तो जो उसको एंजॉय कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उससे हम टैक्स लेंगे. तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो लीगली डिविजिबल नहीं है, तो जो एंजॉय कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उससे हम टैक्स लेंगे. दूसरा, अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने आपको बोला था कि जितने भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वहां पर रजिस्ट्री तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो लीगल है ही नहीं. तो वहां पर जो खरीद बेच होता है वो था पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पे. तो जिसने भी पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पे खरीदा वो एंजॉय कर रहा है, उसको डीम ओनर मानेंगे. एल से, आपने 12 साल उससे ज्यादा का अगर लीज ले लिया डीडीए फ्लैट, यहां पे 99 साल का लीज वगैरह होता है, तो हम लेसी को डीम ओनर मान लेते हैं. रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं है बेटा लेसी, आप हो लेसी ही, बट चूंकि बहुत लॉन्ग टर्म है, 12 साल से पार हो रहा है या 12 साल एंड उससे ज्यादा हो रहा है, हम क्या मान लेंगे आपको? डीम ओनर. ये इंपॉर्टेंट है. अगर अब ये ना क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है, क्लबिंग का बस आप समझ लीजिए. अगर एक बंदा अपने माइनर बच्चे को हाउस में ट्रांसफर कर रहा है, तो जो ट्रांसफरर है उसी को हम डीम ओनर मान लेंगे. भले आपने रजिस्ट्री अपने माइनर बच्चे के नाम पे करा दी तो टेक्निकली मालिक हुआ है, बट हम मानेंगे इसको. बट अगर आपने माइनर मैरिड डॉटर, अब वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, 18 साल से नीचे की बच्ची का तो शादी होना ही नहीं चाहिए, इलीगल है. बट लॉ क्या बोलता है कि देखो रियलिटी तो अभी भी है कि कुछ जगह होता है, बहुत जगह होता है. तो अगर माइनर मैरिड डॉटर को ये ट्रांसफर हो रहा है, तो एक दहेज जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है, हालांकि बेकार कॉन्सेप्ट है, कि अगर माइनर मैरिड डॉटर को दिया हुआ है तो फिर माइनर मैरिड डॉटर ही मालिक कहलाएगी. तो ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट द माइनर मैरिड डॉटर, मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे माइनर मैरिड डॉटर को, तो माइनर मैरिड डॉटर इज द ओनर, डीम भी नहीं, इज द ओनर, क्योंकि रजिस्ट्री किसके नाम पे है? बट इफ द असेट इज ट्रांसफर टू अदर माइनर चाइल्ड, अब रजिस्ट्री इन नेम ऑफ माइनर चाइल्ड है, बट हम डीम उन्हें किसे मानेंगे? ट्रांसफर को. सिमिलरली स्पाउस, अगर अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन, हम मानेंगे जो ट्रांसफरर है वही मालिक है. पर अगर मानिए एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, एकदम कोर्ट वोट से आपने साइन करा लिया और हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, और कोर्ट ने बोला घर दे दो, तो स्पाउस भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, और उसमें आपसे टैक्स मांगा जाए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. तो स्पाउस ट्रांसफर टू स्पाउस एक्सेप्ट अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. तो हस्बैंड ट्रांसफर कर रहा हाउस प्रॉपर्टी टू वाइफ विदाउट कंसिडरेशन, तो अगेन
रजिस्ट्री इन नेम ऑफ स्पाउस, बट हम क्या मानेंगे हस्बैंड को डीम ओनर क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन है। बट अगर आपको ट्रांसफर किया जा रहा है अंडर एग्रीमेंट टू लीव पार्ट, देखते यार स्पाउस भी गई, हाउस प्रॉपर्टी भी गया, टैक्स भी आपसे लिया जाएगा, ना 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 सरकार बोला इतना माफ नहीं करेंगे, स्पाउस इज द ओनर। ये बहुत कॉमन होता है आजकल, मैं सेलर अब बायर, मैंने आपसे सारे पैसे ले लिए, आपको चाबी थमा दी, आप घर में मूव कर गए, रजिस्ट्री में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस दौरान एक महीना दो महीना का जो समय लग रहा है, इस दौरान कौन मालिक रहेगा, आपको माना जाएगा, प्रोवाइडेड फुल कंसिडरेशन पे हो गया हो, पोजीशन टेकन, आपने पोजीशन ले लिया फुल पे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, ट्रांसफरिंग आपको डीम ओनर मान लिया जाएगा। एंड फाइनली कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, समझाया था मैंने कि 10 लोग मिले एक कंपनी बना ली या एक सोसाइटी बना ली, मिलकर 10 फ्लोर बना लिया, प्रॉपर्टी पूरी बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है और बिकॉज 10 मेंबर है तो सबको एक एक फ्लोर मिल गया। अब यहां पर रजिस्ट्री है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, बट एंजॉयमेंट कौन कर रहा है, मेंबर, तो मेंबर को डीम ओनर मानेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी या अदर एसोसिएशन विच अलॉट प्रॉपर्टी टू द मेंबर, यहां पर मेंबर को डीम ओनर मानेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और देख लीजिएगा, ये चलो इसको ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का होता है, हमेशा हमेशा हमेशा। बट मानिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 जुलाई को, तो मेरा करंट ईयर या ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, 1/4/21, 31/5/22। बट जब मैं एक्सपेक्टेड रेंट निकालूंगा ना, हर केस में 12 महीने का होता है, बट यहां पे तो ये समझ में आ रहा है ना कि घर पहले 3 महीने तो था ही नहीं, तो ये होगा 9 मंथ। एक और पॉइंट, इफ ड्यू टू एनी रीजन असेसी रिसीव्ड रेंट फॉर अप्रैल 31/2022, तो देखिए 1 अप्रैल टू 30 जून अदर सोर्स, 1 जुलाई टू 31 मार्च हाउस प्रॉपर्टी, याद रहेगा बाबू, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो जवाब देकर जाना है एंड देन वी विल एंड द क्लास। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन 29, प्लीज इसका आंसर दीजिए सारे बच्चे। ऐप पे बाबू कल होगा, ठीक है, ऐप पे प्रैक्टिस होगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्लास हम लोग 5 सितंबर को रखेंगे, ठीक है, विल स्टार्ट विद द अदर सोर्स एंड गिफ्ट, एंड कर देंगे एंड देन सैलरी एंड पीजीपी एंड कैपिटल गेन एक साथ, बट पहले अदर सोर्स एंड गिफ्ट छोटा छोटा कर लेंगे, प्रैक्टिस कल हो जाएगा, ठीक है, इसका जवाब दीजिए सारे बच्चे। प्लीज 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 बाबू, रीडिंग स्किल के लिए इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, एकदम छोटा सा है ये, बस एक चीज चेक करेगा आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। आया किसी का आंसर, दिक्कत है बाबू, प्लीज इतने बच्चे लाइव है, किसी से नहीं बन रहा है ये,
चलिए मैं कर लेता हूँ, बता देता हूँ। राजेश ओनर ऑफ अ हाउस लेट आउट ऑन अ मंथली रेंटल ऑफ 15,000, ठीक है। द फेयर रेंटल वैल्यू फॉर द लेट आउट पीरियड इज 150, तो फेयर रेंट है आपका 150। द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम फ्रॉम 1 जनवरी टू 31st मार्च, तो 3 मंथ का सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक 20 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, रिपेड 1,05,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट है ये 24B में जाएगा। कंप्यूट द राजेश इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर जो फेयर रेंट है क्या लिखा हुआ है, लेट आउट पीरियड। अगर 3 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 9 मंथ के लिए लेट आउट है, तो आपका एक्चुअल जो फेयर रेंट है फॉर द ईयर वो होगा 1,50,000 डिवाइड बाई 9 × 12, 2 लाख, ठीक है। ये है आपका मेन पॉइंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 2 लाख, एक्चुअल रेंट कितना हो गया 15,000 × 9, 135। ऑब्वियसली मैं हायर लूंगा तो जीवी हो जाएगा 2 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स दिया नहीं है तो ये मेरा एनएवी हो जाएगा। माइनस करेंगे 24A कितना 30% और माइनस 24B 40,000, ठीक है। चलिए, होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अभी जब सेशन एंड होगा आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा कैसा लगा, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। कंसिस्टेंट रहिए, कल हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन, मैं अपने टेलीग्राम पे उसका अपडेट डाल दूंगा। 2 क्वेश्चन बढ़िया वाला मैं आपको कराऊंगा ऐप पे। परसों लोग करेंगे हाउस सॉरी अदर सोर्स एंड गिफ्ट, और फिर करेंगे हम सैलरी पीजीपी एंड कैपिटल गेन, ठीक है। चलिए, मनीष कह रहे हैं योर अन अकेडमी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। शुभम कह रहे हैं सुपर रिविजन सर, थैंक्स। हर्ष थैंक यू, किशन थैंक्स। चलिए वेरी गुड, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको दिख रहा है कि रिविजन हम लोग काफी तमीज से करा रहे हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे कर लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सनाया थैंक यू। बाबू EISSM स्टार्ट होगा 20 तारीख 20, मैं एक अपडेट दे दूंगा मोस्ट प्रोबली, कल एक वीडियो बनाकर वो भी मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबली 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।